वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये बात हो रही है सीबीएसई टर्म टू। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक थोड़े कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और थोड़े कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट में, तो जनरली वो कम स्कोर करता है। आपने देखिए बोर्ड के परसेंटेज, एक जनरल बात बता रहा हूँ, जो 90% करेक्ट है, 100% नहीं। तो और आप खुद भी रियलाइज़ करते होंगे इस बात को, मेरी इस बात को आप खुद भी रियलाइज़ करते होंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा ना हो इस बोर्ड एग्जामिनेशन में टर्म टू, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, फिजिक्स की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, वट एवर द चैप्टर इज गोइंग टू डील विथ या वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू डील विथ, सब में एक ही फंडा लगाना है। क्या कि एक ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता है तो वो ये सोचता है तो अंडरस्टूड है। लेट अस सपोज ज़्यादा मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल गया और आप डायरेक्ट उसके आंसर पे चले जाते हैं, आप दो बातों का ध्यान नहीं रखते। एक बात कि वॉट एवर द डेटा इज गिवन, आप उसको लिखिए कि इट्स गिवन या एज वी नो दैट। अब ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या सोचता है, ये तो हमको पता ही है, गिवन है, जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा। भाई याद रखिए, वेन एवर योर टीचर कॉपी चेक, दैट टीचर हु इज़ चेकिंग योर कॉपी, वो ये मान के चलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये मान के चलता है कि आपको तो सब पता है। बस यहीं पे मार्क्स चले जाते हैं। आप वहाँ डेटा लिखिए, वहाँ पे ऐसे लिखिए जैसे आप किसी एक बच्चे को समझा रहे हो, आप उस समय किसी को समझा रहे हो कि ये ऐसा दिया है, ये ऐसा गिवन है, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आए उनको अंडरलाइन करिए। गर्ल्स, जनरली गर्ल्स इस मामले में माहिर होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करना नहीं भूलती हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखती हैं, और लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मार्जिन, वो इमेजिनरी मार्जिन हो सकता है, वो जगह छोड़ते हैं। दो आंसर्स के बीच में अच्छी खासी जगह छोड़ते हैं, और वो जो आंसर लिख रहे होते हैं, जो जो समझदार लोग हैं, मार्क्स लाने की जिनको कला आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हमेशा मार्जिन छोड़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करते हैं। और याद रखिए, अंडरलाइन किससे करना है, किस पेन से करना है, वो उसका बहुत ख्याल रखना है आपने। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लेंथी क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने उसमें केमिस्ट्री की फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ गया, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें आ गई आपकी एल्डिहाइड कीटोन से, वन इज़ बिंग एसिटल्डिहाइड एंड वन इज़ बिंग पेंटेन थ्री ऑन, राइट। अब इसमें कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन आ गया, कौन आइडोफॉर्म, तो आपको पता है कि पेंटेन टू ऑन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, वेयर एज पेंटेन थ्री ऑन विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आपने सिर्फ इतना लिख दिया और मार्क्स ज़्यादा का ये क्वेश्चन था, लेकिन आपने उसकी रिएक्शंस नहीं लिखी थ्योरी। तो पहले थ्योरी लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कौन देगा कौन नहीं देगा, देन यू हैव टू राइट रिएक्शन। देन जहाँ पे येलो कलर आइडोफॉर्म बना है CH3, उसको अंडरलाइन करिए और लिखिए वहाँ पे, आइडोफॉर्म नाम भी लिखिए उसका, और CH3 हो सके तो IUPAC नेम भी मेंशन कर दीजिए। यानी कि आप ये मत सोचिए कि टीचर को तो आता ही होगा, हमने जनरल नेम लिख दिया तो IUPAC आता होगा। जहाँ जहाँ कंपाउंड आ रहा है उसका IUPAC नेम एंड जनरल नेम लिख दीजिए। अब मैंने इतनी बात आपको बताई और उसके बाद में और लास्ट में लिख दिए, यानी कि इस रिएक्शन को आप दो इंग्लिश के स्टेटमेंट के बीच में रखें, सैंडविच, ऊपर अंग्रेजी में लिखें, नीचे अंग्रेजी में लिखें, और बीच में केमिस्ट्री की मेन रिएक्शंस लिखें, और कलर अगर आ रहा है तो कलर को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करें, राइट। लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक जगह और गड़बड़ करता है। पता चला मार्क्स कम का क्वेश्चन है और उसके पास नॉलेज बहुत है, तो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैं वो शुरुआत में ही इतना टाइम वहाँ पे लगा देता है, इतना कुछ लिख देता है
कि वो लास्ट तक कभी कभी पहुंचता है तो टाइम कम बचता है, और इन सब बातों को वो भूल जाता है। लास्ट में जब टाइम कम बचेगा तो आप मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप भूल जाते हैं जनरली, कि हमें कैसे लिखना था, कैसे रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं ना, खाना अच्छा बना लेना एक बड़ी कला है, लेकिन उसको परोसना अच्छे तरीके से सैलेड के साथ में। आपने देखा होगा फाइव फाइव स्टार जो 5 एंड 7 स्टार होटल्स होते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा होता है, खाना भी अच्छा होता है। ओके खैर, तो जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, वहाँ पे आराम से जितना पूछा गया टू द पॉइंट आंसर देकर आगे बढ़ते चलें। हाँ, लिखने पे साफ सुथरी हैंडराइटिंग लिखने पे बहुत ध्यान देना है। नीट एंड क्लीन के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कभी कभी देखा होगा आपने किसी बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ी 19 है, लेकिन वो अंडरलाइन करके मार्जिन डाल के इतना बढ़िया उसको बना देता है कि लगता है वाह कितना बढ़िया है, एकदम दिखता है क्रिस्टल क्लियर। एक्चुअली क्या होता है, जब टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है बोर्ड एग्जाम की, तो वो आपको मार्क्स देने नहीं आया होता है, वो आपके मार्क्स काटने आया होता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी अगर हैंडराइटिंग गड़बड़ आया हुआ है वो अंडरलाइन करता जाएगा, अंडरलाइन करता जाएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेगा। और लास्ट में आपके अगर पूरा सब कुछ स्टेटमेंट सब कुछ सही लिखा है, तब भी आपका आधा नंबर काट ही लेगा। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो पहले तो कंटेंट पढ़ेगा, और कंटेंट पढ़ते ही आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है कि यस, तो वो आपको मार्क्स देता चला जाएगा। बड़ा ही बहुत ही ये बड़ी अजीब सी बात है। आप सोचोगे कि आपको कैसे पता, हमारे तो जान पहचान में इतने टीचर हैं, वो बताते हैं कि जब कॉपी चेक करनी होती कितना मुश्किल काम होता है, और अपनी जॉब भी होती है। आप अजीब सी बात कर रहे होगे कि आपने देखे होंगे यूट्यूब पे तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे हटकर आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि यही सत्य है। वो लोग अपनी जगह सही हैं, बट इस तरह का वीडियो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा होगा, क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जो पहला इम्प्रेशन आता है, अब पहले इम्प्रेशन का ये मतलब नहीं कि लास्ट में जाके आप शोले मूवी की स्टोरी लिख दो, सब कुछ सही लिखिए, लेकिन नीट एंड क्लीन जब आपको टीचर को दिख रहा होता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने क्या गलत लिखा है क्या सही लिखा है। जब चीज़ें अंडरलाइन, आप ऐसे सोचिए ना, टीचर को कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल काम लगता है, उसके लिए एक रोने की तरह होता है कॉपी चेक करना। आपके अगर जान पहचान दूर दराज में कोई टीचर हो, उनसे पूछेगा कि कॉपी चेक करने में आपको मज़ा आता है, एक भी टीचर कायदे का टीचर अगर है वो आपसे कह दे कि हाँ मज़ा आता है तो मुझे बताइएगा, तो वहाँ पे टीचर उस चीज़ को अपनी ड्यूटी करने आ रहा होता है। किसी को भी पसंद नहीं है कॉपी चेक करना, लेकिन कॉपी तो चेक करनी है, और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से उनको आंसर भी देना है अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने गलत चेक किया। लेकिन हाँ, बीच में थोड़ा बहुत तो आधे नंबर तो काट सकते हैं ना वो, आपके हैंड राइटिंग के बेसिस पे, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, उसमें उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है और आपकी चीज सही है, जो आंसर पूछा गया वो ही आंसर को आपने अंडरलाइन ठीक से कर दिया है और रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा, और वो टीचर भी काटना नहीं चाहता, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं कि मैंने क्या बताया कि टीचर मार्क्स काटता क्यों है, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन आपका सही नहीं होता। और अच्छा है तो टीचर फुल मार्क्स देगा, क्यों, आपका दुश्मन तो है नहीं वो टीचर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो दो मेन चैप्टर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। लोग सोचते हैं सरफेस केमिस्ट्री थियोरेटिकल है, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री में पूरी ही केमिस्ट्री लग जाती है, मोल कॉन्सेप्ट लग जाता है, पूरा इक्विलिब्रियम लग जाता है, सब कुछ लग जाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल रहे होंगे, सरफेस केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं। जबकि आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका विजुलाइजेशन आप न्यूमेरिकल से करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इन सब पे डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। है तो चीज़ समझने की, थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छे से समझेंगे, इन न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो थ्योरी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सेल बहुत बोरिंग पार्ट लगता है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रियली में आप उसको समझने की कोशिश करें, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। केमिकल काइनेटिक्स
मैं भी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यूनिट्स पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स तो ईजिली हो जाएंगे, ग्राफ पे ध्यान देना है, और मेनली एनसीईआरटी में ग्राफ लिखे हुए हैं उनको विजुलाइज करिए, अपने आप हो जाएंगे। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही प्यारा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप बहुत अच्छे से कुछ रिएक्शंस देख लें, डेफिनेटली आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपका मेन थीम यही है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में बच्चा गलती करता है, वो सोचता है रिएक्शन लिख दें, नहीं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब होता है वहाँ पे कोई कलर आ जाए तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आप रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होते थोड़ी दिख रही है, कोई कलर आ रही है, फ्यूम्स आ रही है, फॉर एग्जाम्पल टॉलेंस टेस्ट सिल्वर मिरर बन रहा है, फैलिंग टेस्ट रेड कलर आ रहा है, रेड कलर किसका आ रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो Cu प्लस टू से प्लस वन, तो यहाँ समझने की बात है। आयडोफॉर्म टेस्ट येलो कलर आ रहा है, अब एनसीईआरटी में लिखा है आयडोफॉर्म टेस्ट डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अमीन्स, अमीन्स में आपको याद रखना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, 2-1-3 अमोनिया, मिथाइल, मिथाइल छोटा होता है, इथाइल बड़ा, तो 2-3-1 अमोनिया, ये एक्वस स्टेट है, लेकिन अगर उसने गैसियस स्टेट दे दिया तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि गैसियस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव फैक्टर रोल चलता है, चाहे कोई भी अमीन हो, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। अब इस अमीन चैप्टर में बहुत प्यारे प्यारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं जहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, देखिए कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। एक अगर मैं बात करता हूँ कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से अमीन बनता है, अब 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन बन रहा है, बीच में आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बन रहा है, लेकिन अगर कार्बाइलामेन रिएक्शन की आप बात करेंगे, जो भी 1 डिग्री अमीन देते हैं क्लोरोफॉर्म और केएच के साथ, यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है, वहाँ आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बना था, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है जो कि बदबूदार फाउल स्मेल होता है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन। एक रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में कहीं पे मिल जाए। हिंसबर्ग टेस्ट इज द ओनली टेस्ट विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, इसमें येल्लो कलर आता है। अब वो येलो कलर आ गया, उसमें अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड बाद में NaOH डालेंगे तो GRB ग्रीन देन रेड देन ब्लू कलर। बाई गरीब, बाई तो होती है काम करने वाली हमारे घर में, जो गरीब, बाई मतलब येलो कलर, जी ग्रीन देन रेड देन ब्लू, बाई गरीब। और लिवरमैन्स, लिवर में तो वैसे ही बिलरुबिन बिलबर्डीन प्रोड्यूस होते हैं, और जॉइंटिस पीले कलर का होता है, तो याद रखेंगे लिवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट गिवन बाई 2 डिग्री अमीन सम। अगर कहीं भी कलर आ रहा है तो कलर की इम्पॉर्टेंस बहुत है, इसको अंडरलाइन करेंगे दैन यू विल गेट फुल मार्क्स। बात आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DNF, जो कि बड़ा ही अलबेदा सा लगता है लोगों को DNF, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो हर टीचर मज़े से पढ़ाता है, लेकिन DNF में KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर आपको नहीं आता उन पे बहुत अच्छे से फोकस करें, जो ट्रेंड्स दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से देखें, NCERT के ट्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है DNF, यहीं पे मार्क्स जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। टीचर कई बार कहते हैं कि हमको ही नहीं, मतलब ये नहीं बोलते हमको नहीं आता, वो लीव कर देते हैं, उसको पढ़ाते नहीं है ठीक से, तो मार्क्स आपके चले जाते हैं, तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, फुल मार्क्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो सब पढ़ाते ही हैं, सबको आती ही है, और आप भी उसमें बहुत मज़े से पढ़ते हैं। सो ऑल द बेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, आपके बोर्ड्स के लिए अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बहुत बड़ी जो गलती हर बच्चा करता है वो इस तरह चैप्टर को पढ़ता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को इस अंदाज में कभी नहीं पढ़े कि ये कितने मार्क्स का है, क्यों, वहीं पे जहां आपने मार्क्स के हिसाब से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, आपने उस चैप्टर का रस, उस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस खो दी, और उस चैप्टर में आपके मार्क्स जाने की पूरी पूरी उम्मीद पैदा हो जाती है। आप ये मान के चलें कि आप बोर्ड एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करके आप सब कुछ कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, आपने नीट के लिए, आपने IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप नॉलेज बना रहे हैं, देखिए उस चैप्टर में आपका कितना मन लगेगा।
हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अलग लेके चलते हैं, अलग नहीं है वो नॉलेज। आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम बीच में आ गया है, अदरवाइज़ तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर देखिए उस चैप्टर में आपका ब्रेन कितना जाएगा। हम एक लोग दिमाग में भर देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम लिखने का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MCQ क्वेश्चंस देने का है, दोनों का अलग है। अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। इसी रास्ते से आपने उस मंजिल तक पहुंचना है। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।